हेलो, माय सेल्फ मोहम्मद सिराज। हमारे फैमिली में मॉम है, डैड है, एक मेरे से बड़े भाई है और भाभी है, और दो छोटे छोटे भाई के बेटे, एक बेटा एक बेटी है। पहले तो मैं टेनिस बॉल खेलता था, मुझे कि ये नहीं पता था कि प्रोफेशनल कैसा खेले जाता है क्या है, तो मैं बस, मेरा जुनून था कि मैं बस खाली जो भी मैच खेलूँ 100% दो। तो टेनिस बॉल सुबह शाम जैसे टूर्नामेंट होते थे, शाम को भी टूर्नामेंट होते थे, इधर चल जाना उधर चल जाना, तो ऐसे खेलते। तो घर पे ज़्यादा डैड बहुत सपोर्ट करते थे, डैड तो ऑटो चलाते थे। मेरा बड़ा भाई इंजीनियर है, तो मम्मा हमेशा बोलते थे कि तू अपना टाइम खराब कर रहा है, तू भी बाद में ये मत बोलना कि तू बड़े भाई के लिए सब किए, मेरे लिए कुछ भी नहीं किए, कि ऐसा मुझे ब्लेम मत करना बोल के मम्मा। मैं बोलता था मम्मा ऐसा कुछ भी नहीं है मम्मा, बस खाली देखो आप। तो बस मैं क्रिकेट ही खेलता रहता था सुबह शाम। तो फिर उसके बाद एक ऐसा वनडे लीग था हमारे मामा का, तो मैं वहाँ पर जाके खेला, तो मैं एक ही इनिंग में 9 विकेट लिया था। मतलब मुझे पता नहीं था कि इन स्विंग आउट स्विंग क्या है, कुछ भी नहीं, बस जाना तेज आके डालना। तो वो मैच में 9 विकेट लिया था, तो मामा ने मुझे 500 रुपये दिए थे, तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे वो 500 रुपये, कि डैड ऑटो चलाते थे, तो अब फिर भी मुझे डैड हमेशा पॉकेट मनी 70 रुपीज़ देते थे। तो मतलब बहुत ही अच्छा था वो, कि 70 रुपीज़ भी बहुत मायने, मतलब उन्होंने ऑटो चला के मुझे 70 रुपीज़ देना, फिर घर का किराया वरना तो बहुत ज़्यादा थे वो मेरे 70 रुपीज़। 60 रुपीज़ तो पेट्रोल में चल जाते थे, अब मैं 10 रुपये मेरे जेब में रहते थे। जब मैं रणजी ट्रॉफी की प्रैक्टिस ख़त्म करके, पूरे लोग कार में आ रहे थे, मैं प्लैटिना थी मेरे पास बाइक, उसको और किक मारना वो टूट गया था, अब उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं है वो, तो उसको ढकल के गाड़ी स्टार्ट करना था। तो पूरे अब कार निकाल रहे थे, मैं बस ऐसे ही खड़ के देख रहा, क्योंकि मुझे एम्बेरस फील हो रहा था कि मैं गाड़ी ढकल के स्टार्ट करूँ पूरों के सामने। तो मैं रुक गया थोड़ी देर, वो लोग गए बाद में, फिर मैं गाड़ी ढकल के स्टार्ट करके फिर घर को गया। घर को जाके किसी के पास से पैसे उधार लेके फिर मैं वो गाड़ी बनाया, फिर उसको जैसा भी 70 मिले फिर उसके पैसे उसको दे। फिर परफॉर्मेंस अंडर 23 में गिर के, फिर रणजी ट्रॉफी में, उसी साल रणजी ट्रॉफी में 2 मैच 3 मैच बचे हुए थे, रणजी में मेरा नाम आया, तो फर्स्ट डेब्यू करा मैं सर्विसेज के अगेंस्ट, तो उसमें एक विकेट मिली, तो थोड़ा अपसेट था, अरे यार अभी स्टार्टिंग में ऐसा, ठीक है कोई नहीं, अभी तो करियर स्टार्ट हुआ, सीखने को बहुत मिला। फिर इसके बाद 2 मैच ड्रॉप हो गया। फिर नेक्स्ट ईयर मेरे लाइफ का सबसे बड़ा ये था कि भरत अरुण सर, क्योंकि मैं नेट्स में प्रैक्टिस कर, RCB टीम आई थी हैदराबाद को, तो मैं जब नेट बॉलर बन के गया था तो RCB को बॉलिंग था, भरत अरुण सर ने फुल इम्प्रेस हो गए थे। फिर जाके लक्ष्मण सर से ही बात किया, ये बच्चा कौन है ये, और तो उन्होंने मुझे बुला के आपका नाम क्या है, तो मैं बोला सर मेरा नाम मोहम्मद सिराज है, अच्छा अच्छा आप है, बोल के फुल हुआ। फिर वही साल 2017 हमारे टीम के कोच बने भरत अरुण सर, तो वो साल मैं हाईएस्ट 3rd विकेट टेकर था रणजी ट्रॉफी में। तो मतलब भरत अरुण सर आए मेरी लाइफ में, मुझे ऐसा चेंज हो गया, मतलब वो इंसान मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस देता था जिसकी हद नहीं, मतलब अलग ही बैक करना वो इंसान में, मतलब वो एक फरिश्ते जैसे बोलते ना वो एक इंसान है वो, तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर वो से बोले गए टेंशन न कर ले, तू खेलेगा तो इंडिया को, तू बस तू जैसा डालता है वो वैसे ही डालते जा, हमेशा मेहनत करते जा, रिलैक्स कभी मत। तो जब वनडे की प्रैक्टिस चल रही थी, ऑक्शन था, तो मैं सर को बोला सर मेरा नाम आएगा नहीं आएगा, टेंशन मत ले तेरा नाम आ जाएगा, बोले तो मैं बोला ठीक है चलो, खुश हो गया मैं। जब बोले सर बोले तू प्रैक्टिस को मत आ, तू घर पे रहे आज, तो मैं जब ठीक है बोल के बैठा, लंच तक तो मेरा नाम ही नहीं आया, मैं बहुत हैबत पे, मतलब गाड़ी स्टार्ट करके किधर की चले गया। फिर जैसा लंच हुआ फिर उसके बाद आया, फिर जैसा मेरा नाम आया 10 सेकेंड तो कोई मेरा मतलब कोई ऊपर ही नहीं उठा, तो बोला अल्ला गए, बोलते जैसा सनराइज RCB उठाई, RCB और मतलब मैं बोला चलो सेलेक्ट हो गए, अपना ड्रीम कंप्लीट हो गया। मुझे पैसों का कुछ मुझे वो नहीं था कि इतना पैसा मिलेगा, बस मुझे सेलेक्ट होना था कि मैं अपने आप को प्रूफ करूँ आगे जाके। तो मतलब जैसा 2.6 में मुझे सनराइजर ने खरीदा, तो मेरे लिए बहुत हैप्पी था। तो मेरा ये एक ही ड्रीम था कि मैं डैड को बिठा के मैं सोप करूँ, मैं एक अच्छा सा, जैसे हम ना रेंट पे रहते थे छोटे से घर में,
बस मुझे ये एक ही ड्रीम था कि मैं दोनों को अच्छा सा घर लेके घर में बिठाए, कोई चीज़ की तकलीफ ना हो बोल के मेरी ये एक ही सोच थी। मैं जितना हो सके मैं करूँगा मेरे से, बस मेरी ये एक ही ख्वाहिश थी कि माँ बाप को मैं घर में बिठा के सुकून से रहूँ, खुश रखूँ उन लोगों को। मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो जैसा अंडर 23 में जैसे पैसे आने लगे थे थोड़े बहुत तो कम हो गए थे, मगर डैड ऑटो चला रहे थे जब भी। जब मैं फर्स्ट मेरा सिलेक्शन हुआ IPL में, मैं डैड को जब भी जब से लेके अभी तक डैड ऑटो नहीं चला। साल में घर लिया, घर लेके फिर भाई की शादी हुई तो खुशी आ गई फिर घर में। अभी उनकी तबीयत ख़राब है, मतलब उनको दो भी लंग्स ख़राब हो गए उनको, तो सांस लेने तकलीफ हो रही है उनको, तो मैं बहुत ही डिप्रेशन में जा रहा हूँ। अभी घर भी नहीं जा सकता हूँ मैं कि डैड को जाके मिल के उनको हौसला अफजाई दियूँ कि मैं हूँ ये, बट फ़ोन पे बात करता हूँ तो जब भी बात करते हैं वो रोते हैं मुझसे, तो वो मुझे बहुत अच्छा। मैं ज़्यादा देर भी बात नहीं कर सकता कि रोना पसंद नहीं है, मतलब डैड हमारे रो रहे हैं, मतलब मैं जल्दी फ़ोन कट कर देता हूँ कि अब मुझे बर्दाश्त नहीं होता वो चीज़। तो जल्द से जल्द मैं यही दुआ करता हूँ कि डैड कुछ जल्द से सेहत अता फरमाए। मैं मैच से एक दिन पहले वो डैड हॉस्पिटल में एडमिट थे लास्ट मैच से, तो मैं वही प्रेशर था कि अरे डैड हॉस्पिटल में। जब मैं मैच के बाद डैड घर पे कॉल किया तो मेरा सबसे बड़ा सरप्राइज होता था कि डैड में घर पे थे, तो मैं वो और ये मैच का बहुत ही खुशी था वो दिन। तो बहुत ही खुशी की बात है कि मुझे हर कोई फ़ोन कर रहा है, तुम्हारा बच्चा ये कर दिया वो कर दिया, हर हैदराबाद में हर पेपर में तेरी फोटो है। बोला शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बस आप टेंशन मत लो, घर पे रहो, जो खाना है खाओ। याद भी करा तो मेरे आंखों में आंसू आते, मतलब जब मैं वो चीज इतना स्ट्रगल करा लाइफ में इंडिया के लिए खेलने के लिए, फिर मैं जब इंडिया के लिए सिलेक्शन हुआ वो नेशनल एंथम में, मैं पूरा स्ट्रगल याद किया, पूरा स्ट्रगल, इतने करोड़ लोगों में से मैं इंडिया के लेके, बहुत बड़ा वो अचीवमेंट था मेरे लिए, बहुत बड़ा। मेरा ड्रीम था कि मैं विराट भाई के साथ खेलूँ, विराट भाई के साथ शेयरिंग करूँ, मतलब मैं उनके लिए मतलब मैं अलग ही छूँ, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनके, विराट भाई का। तो मैं हमेशा मतलब जब इंडिया का सिलेक्शन हुआ वो टाइम, तो विराट भाई साहब सामने बैठे, मैं इधर ही बैठा हूँ, बस खाली मैं विराट भाई को देख रहा हूँ, मुझे बहुत ही पसंद आते हैं विराट भाई। फिर उसके बाद मैं RCB को आया तो बहुत ही खुश था यार, RCB में आया बहुत ही अच्छा लगा। फिर उसके बाद परफॉर्मेंस भी किया RCB के लिए, बस मेरा लास्ट ईयर ख़राब हुआ, मगर RCB की मैनेजमेंट में जो मुझे बैक किया, जो जैसा अपने चिन्ना स्वामी में तो बहुत छोटा ग्राउंड है, ठीक है वहाँ चैलेंज है बॉलर्स के लिए कि वहाँ पर कैसा खेलना क्या है, ठीक है वो तो एक्सक्यूज़ नहीं देना चाहिए, अपन बॉलर एक छोटा ग्राउंड है ये, बस अपना काम है कि अपन प्रूफ करना चाहिए एक जगह। तो 2018 फिर ख़राब चले गया, फिर अभी 2020 में दो मैच अच्छा किया, फिर थर्ड मैच ख़राब गया, फिर भी मुझे विराट भाई बैक करते, नहीं इसमें है दम, इन्हें कर सकता है, मुझे बैक किया। वो तो अलग फील था, क्योंकि विराट भाई जब हम लोग मैच खेल के आए उसी दिन ही, तो नेक्स्ट डे मैच था हम लोग का, तो विराट भाई बोले, मैं बोला भाई, जिस दिन हम लोग का मैच खत्म हुआ उस दिन भैया से पूछा था, भैया ऐसा घर पे मैं ऐसा डिनर रखना चाह रहा हूँ आप आएंगे क्या, बोले तो हाँ हाँ भैया क्यों नहीं रखो आऊँगा, वो बोले। फिर जैसा अपना लैंड हुए तो भैया को बोले, भैया आप आ रहे हो ना, बोले तो नहीं भैया मेरी बैक बहुत दर्द है यार, मैं नहीं आ सकता, फिर कल मैच भी है, बोले तो ठीक है भैया आप रेस्ट करो, बोल के मैं मतलब थोड़ा अपसेट हो गया था। कि फिर जैसा विराट भाई आए, किसको भी नहीं जागे, उनको हक कर लिया, वो अलग, मतलब जो इंसान के लिए वो चीज़ बहुत मायने रखती है यार, इंसान जो जिसको इंसान वो चाहता है वो सरप्राइज एकदम, मतलब वो अलग फीलिंग थी मेरे लिए बहुत ज़्यादा। मतलब हैदराबाद में मियाँ मियाँ वो बोलते, तो इसीलिए मियाँ बोलते हैं पूरे, तो मुझे भी अच्छा लगता है मियाँ, जैसे अब ABC ने नया नाम दिया, लास्ट ईयर तो मियाँ था और ABC ने ये साल मुझे मियाँ मैजिक बोल के नाम दिया, तो बहुत ही अच्छा है मियाँ मैजिक, मियाँ मैजिक। भाई लोगों का तो काम है कि इंसान को जज करना, मतलब इंसान क्या कर रहा है, क्या स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँच, ये इजी में तो नहीं मिल गया ना उसके लिए, भाई तू आके इधर IPL के लिए गिफ्ट, वो इंसान जो स्ट्रगल करके आया वो इंसान को यहाँ पर प्लेटफॉर्म, मतलब एक चीज़ का प्रेशर रहता है यार, आप कभी आके कभी ग्राउंड में उतरो 15 मिनट का भी ग्राउंड में ठहरो, इतने क्राउड के सामने आप नहीं कर पाएंगे, मतलब मार तो सबको पड़ती है यार, T20 है ये,
मार तो सबके पड़ते, किसी का अच्छा दिन रहता है किसी का खराब दिन रहता है, तो ये नहीं कि इन्हें खराब बॉलर है इसको ऐसा करो ये करो, बहुत गलत चीज़ है यार अपने पास ये। माही भाई यही बोलते हैं कि लोगों का कभी ओपिनियन ले लेना, माही भाई कभी लोगों का ओपिनियन मतलब कभी एक मैच तेरा खराब जाता है पूरी लोग तुझे बोलते हैं तू खराब है ये गए, अगर तू ये सोच करेगा तेरा दिमाग खराब होगा, फिर ये सोच फिर नेक्स्ट मैच तू अच्छा करेगा तो वही लोग जो तुझे खराब बोले थे आज वही तेरे लोग साथ खड़ेंगे कि अरे तू बहुत अच्छा बॉलर है ये है वो है। हाँ पता है कि RCB फैंस बहुत लॉयल है ये मुझे पता है, हाँ मुझे भी तकलीफ होती है जब मैं अच्छा नहीं करता हूँ, मैं भी RCB को जिताना चाहता हूँ, मुझे भी ख्वाहिश है कि RCB को फाइनल जिताना है, मेरा भी ड्रीम है कि ये RCB को फाइनल जिताना, मैं इंडियन टीम के लिए टेस्ट टीम में डेब्यू करूँ, वो मेरा ड्रीम है, टेस्ट की अलग वैल्यू है टेस्ट मैच मुझे खेलना।